अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठे अग्रे रची बिना कृष्ण प्रसादेनो क्षणमेकम न तिष्ठति अन्य क्षेत्रम कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति तीर्थ क्षेत्रम कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। आज यमुना जी के तट पर इस तटबंध को तोड़ा गया है और यमुना माँ को पुनः मेला किया गया है। आखिर कब तक यह कुत्सित प्रयास बर्दाश्त किए जाएंगे? शासन प्रशासन सरकार की नाकामी है, लोगों का अपना प्रयास है यमुना मिशन के द्वारा पहल है, उसको भी यहाँ लोगों के द्वारा अपनी कुत्सित मत विचारधारा का प्रदर्शन करते हुए और तोड़ दिया गया। आज एक को ज्ञात हुआ तो एक आया है, कल हजारों की तादाद में यहाँ आकर याचना नहीं अब रण होगा और संग्राम बहुत भीषण होगा। श्री यमुना जी के लिए सभी ने याचना करी है परंतु याचनाओं का कोई फल नहीं है, क्योंकि बिने न माने जलद जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो अब शासन को यमुना जी का भय दिखाने का समय आ चुका है। यदि यमुना जी को नहीं समझा तो यमराज को समझना पड़ेगा, क्योंकि यम और यमी ये दोनों भाई बहन हैं। यदि यमुना जी का आदर नहीं करोगे तो यमराज महाराज आपका समादर जरूर करेंगे। तो यदि यम की त्रास से बचना है, शनि पीड़ा से बचना है, तो अपने कर्मों को सुधारिए और श्री यमुना जी का सम्मान करना, यमुना जी की स्वच्छता करना, यमुना जी की सेवा करना सीखिए। शासन प्रशासन सभी से ये अपील एवं चेतावनी, याचना और रण की हुंकार दोनों हैं कि या तो आप इन दोषियों पर कार्रवाई करिए, वरना यमुना पुत्रों में इतना संबल और इतना साहस यमुना माता ने दे रखा है कि न दैन्यम न पलायनम की जो कृष्ण की नीति है उसे अभी भारत भूला नहीं है। और जो कृष्ण की नीति है, जो कृष्ण प्रिया को पीड़ा देगा, वो समस्त मानव जाति का, कृष्ण भक्तों का, ब्रजवासियों का, मथुरावासियों का प्रबलतम और घोरतम विरोधी है, जिसको दंडित करना हमारा और आपका शासन प्रशासन यमुना भक्त सभी का कर्तव्य है।